Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. We are doing the chapter excretory products and their elimination. In this today, we will discuss a very important topic, that is counter current mechanism of urine concentration. Counter current mechanism of urine concentration. So, अब जो है ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो सबसे पहले हम इसके नाम जो इंडिकेट कर रहा है उस बारे में बात कर लेंगे. तो काउंटर करंट क्या होता है? काउंटर करंट मीन्स अपोजिट फ्लो. अपोजिट फ्लो, तो अपोजिट फ्लो मीन्स इस तरह से, अगर कोई ट्यूब है उसमें कोई फ्लूइड, अगर एक उसका जो एक लिंब है उसमें एक डायरेक्शन में आ रहा है और दूसरी लिंब में अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो उसको हम अपोजिट फ्लो या काउंटर करंट बोलते हैं. तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन है. तो ये कहाँ होगा? जाहिर सी बात है ये किडनी में, नेफ्रॉन में कहीं होगा, और नेफ्रॉन के साथ कुछ एसोसिएटेड पार्ट्स हैं वहां पर होगा. तो मैकेनिज्म हम बात करते हैं, बोलते हैं प्रोसेस को. तो अब बात करते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये कहाँ पर होता है, किन में होता है. तो ये एग्जिस्ट करता है हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर वर्टिब्रेट्स, और हायर वर्टिब्रेट्स में हम बात करते हैं बर्ड्स एंड मैन. तो इनमें जो है ये मैकेनिज्म जो है काफी ज्यादा फुली जो है डेवलप्ड कंडीशन में चलता है हायर वर्टिब्रेट्स में. अब ये जो मैकेनिज्म है ये होता क्यों है, इसका रोल क्या है? तो अब नाम से ही पता लग रहा है, यूरिन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है, आपने खुद देखा होगा, अपने आप में ऑब्जर्व किया होगा, जब हम क्वांटिटी जो वाटर की जो है बहुत ज्यादा लेते हैं किसी दिन में, तो कंपैरेटिवली एक डाइल्यूट यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है. लेकिन जिस दिन हमारा वाटर इंटेक कम होता है उस दिन जो यूरिन पास आउट होता है उसका अमाउंट भी कम होता है, और उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी ज्यादा होती है. तो ये सारा किस वजह से पॉसिबल हो पाता है? ऑल ड्यू टू दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये होता कैसे है ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो रोल इसका क्या है? सबसे पहले टू एक्सक्रीट, एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. अब बात करते हैं कि अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करना क्यों है, करना क्यों है? टू कंजर्व वाटर, टू कंजर्व वाटर. तो जो हमारे पास जो लैंड एनिमल्स होते हैं, लैंड पे रहने वाले जो जीव हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अपना जो पानी है, जो यूजफुल वाटर है, उसको बचाए रखना, उसको कंजर्व करना, क्योंकि लैंड पे जो है वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी उस तरह से है कि कभी हमें पानी मिलता है, कभी नहीं भी मिल पाता है. अपने आप में एग्जाम्पल ले लो, किसी दिन जो है वो ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती तो पानी का इनटेक जो है वो कम हो जाता है. तो इस तरह से बॉडी में क्या है, एक मैकेनिज्म रहना चाहिए ताकि हम अपने बॉडी के फंक्शंस को जो है वो नॉर्मली कर पाएं. तो कंजर्व वाटर करने के लिए होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, टू कंजर्व वाटर इन लैंड एनिमल्स. तो लैंड में जो एनिमल्स होते हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स को बनाए रखने के लिए देयर इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, कौन सी वो कंपोनेंट्स हैं जिनमें ये अपोजिट फ्लो हमें देखने को मिलेगा. तो हमारे पास जब हम नेफ्रॉन की डायग्राम कर रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, वासा रेक्टा. वासा रेक्टा किसे बोलते हैं? एक कैपिलरी लूप, कैपिलरी लूप उसे कहते हैं वासा रेक्टा. और दूसरी जो यहाँ पर काम आती है जो चीज, दैट इज लूप ऑफ हेनले. ये जो दो पार्ट्स हैं इनमें ये फ्लो जो है वो अपोजिट फ्लो जो है वो चलेगा, और इसमें हम देखेंगे किस तरह से यूरिन जो है हमारा यहाँ पे कंसंट्रेट होगा. तो ये हमारे पास, पहले मैं आपको इसकी पोजीशन जो है जरा क्लियर कर दूं, फिर वी विल ड्रॉ द सेपरेट डायग्राम्स. तो ये हमारे पास, सपोज दिस इज लूप ऑफ हेनले, तो यहां पर होता है पीसीटी, पीसीटी, और ये हमारे पास है
डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां पर हमने देखा था एक पेरी कैपिलरी ट्यूबुलर जो है नेटवर्क हमने बनाया था इस तरह से। इस तरह से हमने देखा था कि जो पेरी कैपिलरी नेटवर्क आ रहा था वो एक इस तरह का लूप जो है वो बना रहा था, और इस तरह से इट वॉज सराउंडिंग पीसीटी एंड डीसीटी। तो ये जो हमारे पास दिस इज द लूप ऑफ हेनले, और ये हमारे पास है वासा रेक्टा कैपिलरी लूप। तो ये जो हमारे पास ब्रांचेस आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, इफ्रंट आर्टेरियोल से जो है आ रही हैं। यहाँ पर ये हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल, तो यहाँ पर हमारे पास ये है एफ्रंट आर्टेरियोल, ये है ग्लोमेरुलस, और ये हमारे पास इफ्रंट आर्टेरियोल जिसकी ब्रांचिंग जो है इस तरह से यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले बनाती हैं। और अब देखते हैं हम कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है। सो फर्स्ट कंपोनेंट की पहले बात कर लेते हैं हेनले लूप की। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हेनले लूप। जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात भी कर रहे थे प्रीवियस वीडियो यू कैन सी, उसमें हमने देखा था कि जो पीसीटी से जो फिल्ट्रेट आता है, जो पीसीटी में यहाँ जो फिल्ट्रेट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है हमने कहा था वो ऑलमोस्ट ब्लड की तरह ही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड में सिर्फ प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स ही बचते हैं, बाकी सारे आयंस और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जो वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद ब्लड की तरह ही होती है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक होता है। बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट जो है वो आगे आगे मूव करता जाता है उसी तरह से क्या होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, उसकी जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसमें ऑस्मोलैरिटी में भी चेंजेस जो है वो आते जाते हैं। और यहाँ पर जब पहुंचता है फिल्ट्रेट तो वो हाइपरटोनिक हो जाता है। अब यहाँ पर बीच में ऐसा क्या होता है कि वो हाइपरटोनिक हो जाता है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। जब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे होता है तो जाहिर सी बात है जो फिल्ट्रेट है उसमें आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो अब काउंटर करंट मैकेनिज्म स्पेशली तब काम करता है जब हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है और हमारी बॉडी में पानी की कमी है, और अब हमारी जो बॉडी है इट कांट अफोर्ड टू लूज इट्स वाटर। तो ये चाहता है, बॉडी चाहती है कि जितना पानी मेरे पास अभी मौजूद है मैं उसको किसी भी तरह से लूज ना करूं। तो लूज ना करने के लिए बॉडी में क्या होता है, तो ये हमारे पास सबसे पहले है हेनले का लूप, हेनलेज लूप। अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें यहां पर इस तरह की एक पार्टीशन जो है मैं ड्रॉ कर रही हूं। तो पार्टीशन में सबसे पहले ये पार्टीशन मैंने क्यों ड्रॉ की, ये जो ऊपर का एरिया है इट इज रिप्रेजेंटिंग द रीनल कॉर्टेक्स, और ये नीचे वाला एरिया दिस इज द रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स, तो इस तरह से यहां पर दिस इज द मेडुलरी पार्ट और दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वी कैन से दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहां पर जो हेनलेज लूप है इसमें जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है दिस लिम्ब इज नोन एज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें जो फिल्ट्रेट है इट इज मूविंग फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टुवर्ड्स रीनल मेडुला। उसमें जो डायरेक्शन है फ्लूइड की मूवमेंट की वो इस तरफ है, फिर यहां से जब ऊपर की तरफ ये हमारे पास आ जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ
लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लिम्ब में जो फ्लूइड का मूवमेंट रहता है दैट इज अपवर्ड्स फ्रॉम रीनल मेडुला टू रीनल कॉर्टेक्स. तो ये तो हो गया काउंटर करंट, यहां से फ्लो इस तरफ है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जो है इसका फ्लो है. अब यहां पर क्या क्या इवेंट्स हमारे होंगे, जो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये जो हमारा होता है, यहाँ पर जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है, सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट हमारा आ रहा है यहाँ से, तो आइसोटोनिक था यहाँ पर, आपको अगर याद होगा पीसीटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की रीअब्सॉर्प्शन हो गई. तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेट में बहुत सारा पानी मौजूद है हमारे पास. अब पानी अगर यहाँ ज़्यादा है तो वाटर टेंड्स टू मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, वाटर की मूवमेंट होगी टूवर्ड्स आउटसाइड इस तरह से. वाटर की मूवमेंट कैसे हुई, थ्रू ऑस्मोसिस. जो है अब फिल्ट्रेट में पानी ज्यादा है, पानी जो हम लूज नहीं कर सकते, तो पानी जो है वो बाहर की तरफ आएगा. तो वाटर जब बाहर की तरफ आ रहा है तो अंदर जो फिल्ट्रेट है उसमें जो आयनिक कंसंट्रेशन है, जो अंदर फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट. तो हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है उसमें भी फर्क आता है. तो फर्क कैसे आ रहा है, यहां पर जो हमारे पास ऑस्मोलैरिटी है दैट इज 400 मिली ऑस्मोल पर केजी, 400 मिली ऑस्मोल पर केजी. इसका मतलब क्या है, पर केजी सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं. तो यहां पर ये क्या है, आयंस की कंसंट्रेशन है. तो अब क्या है, यहां पर आयंस की कंसंट्रेशन थी इतनी, अब पानी जो है वो बाहर आता जा रहा है. थोड़ा सा यहां जब हम पहुंचेंगे तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई. क्यों, क्योंकि वाटर बाहर आ रहा है. अब यहां इस लेवल पे पहुंच करके क्या हो गया, और पानी बाहर आ गया और हमारी ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जो ब्लड होता है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज 300. फिर पीसीटी में जो फिल्ट्रेट रहता है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक. उसको हम आइसोटोनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो भी 300 ही होती है. अब जैसे जैसे फ्लूइड जो है वो नीचे मूव करता जा रहा है वैसे वैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है. तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इसका मतलब जो ये फिल्ट्रेट है वो कैसा होता जा रहा है, वो हाइपरटोनिक होता जा रहा है. इसी तरह से वाटर की मूवमेंट हो गई, अब आगे फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है. तो इस लेवल पे पहुंच कर जो ऑस्मोलैरिटी हो जाती है दैट इज 1200. तो अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि आयंस की कंसंट्रेशन प्रोग्रेसिवली जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, वाटर बाहर रिमूव होता जा रहा है. अब हमारा फिल्ट्रेट जो है चल पड़ा आगे और यहां से अब उसका जो है इस तरफ को, ऊपर की तरफ को फ्लो जो है वो शुरू हो गया. अब यहां पर असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, इस लिम्ब से हमारे जो है सोडियम और क्लोराइड जो है वो बाहर आएंगे. अब यहां पर क्या हो गया, आयंस ज्यादा हो गए हैं तो इस तरफ से जब मूवमेंट होगी तो सोडियम और क्लोराइड जो है वो बाहर आना शुरू हो गया. बाहर आना शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन यहाँ 900 हो गई, 700 हो गई, 600 हो गई, 400 हुई. और जब ये फ्लूइड जो है वो डीसीटी में पहुंचेगा, यहां से आगे क्या है हमारे पास डीसीटी, जब ये फ्लूइड जो है वो इट विल रीच डीसीटी, तो इसमें जो ऑस्मोलैरिटी हो जाती है दैट इज अबाउट 200. ऑस्मोलैरिटी हम बात कर रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स की, सोडियम और क्लोराइड की मेनली हम बात कर रहे हैं. तो सोडियम क्लोराइड अब यहां अगर बाहर जाता जा रहा है तो जाहिर सी बात है आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है. 900 हुई, 700 हुई, 600 हुई, 400 हुई और फिर हुई 200. तो इस तरह से जो हमारे पास ये जो यहां पर प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी, यहां पर जब हमारा ये फ्लूइड पहुंच जाता है तो हम इसको हाइपोटोनिक बोलते हैं. हाइपोटोनिक मीन्स एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन जो है वो काफी कम है. तो यहां पर फ्लूइड होता है हाइपोटोनिक,
मीन्स यहां पर अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी ज्यादा है, यहां पर है हाइपरटोनिक, और जब स्टार्टिंग में मूव करना शुरू किया था तो यहां पर था आइसोटोनिक, तो टोनिसिटी में जो है वो चेंज आ रहा है हाइपरटोनिक। तो यहां पर डीसीटी में हमारे पास जो फ्लूइड पहुंचा, जो फिल्ट्रेट पहुंचा, उसकी कंसंट्रेशन है 200। अब यहां पर और क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में पानी बराबर मात्रा में है, एडिक्वेट सप्लाई है, पर्याप्त मात्रा में है, तो यहां पर अब इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसमें चेंज नहीं आएगा, सीधा यही फ्लूइड जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होते हुए, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए थोड़ा बहुत पानी रीअब्सॉर्ब होगा और जो हमारे पास यूरिन जो है डाइल्यूट यूरिन सिक्रीट एक्सक्रीट जो है वो हो जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेटेड कंडीशन की, हमारे पास पानी की कमी है। अब पानी की कमी अगर है तो यहां पर अब क्या होगा, सो जब पानी की कमी है तो यहां पर जो डीसीटी है हमारे पास, इस पे एक्ट करेंगे टू हॉर्मोन्स एडीएच और एल्डोस्टीरोन। ADH means antidiuretic hormone और vasopressin जो posterior pituitary से secrete होता है। दूसरा है aldosterone. Aldosterone will act on this DCT and aldosterone जो है it is responsible for reabsorption of sodium. तो reabsorption को हम इस तरह से दिखाएंगे, aldosterone यहाँ के cells पर act करेगा और as a result क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो रीअब्सॉर्ब होगा। रीअब्सॉर्ब होने से क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट यहां पर जो इंटरस्टीशियम हमारे पास है, यहां हम देख रहे हैं आयन्स की एक हाई कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन हो रही है। अब मेंटेन क्यों होना है, क्योंकि हमको क्या कराना है, कलेक्टिंग डक्ट में से जो हमारा फिल्ट्रेट जा रहा है इसमें से भी जो वाटर है वो हमको रीअब्सॉर्ब कराना है, इसीलिए हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि एक हाई कंसंट्रेशन आयंस की मेंटेन हो। इसीलिए बॉडी ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन को जो है इट केम इनटू प्ले और सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे शुरू हुई। साथ ही दूसरा जो हार्मोन है एडीएच, इसने भी डीसीटी पे एक्ट किया, कलेक्टिंग ट्यूब पे एक्ट किया और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट किया। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये जो सेल्स हैं दीज आर सेंसिटिव टू एडीएच और एज अ रिजल्ट यहां पर क्या होगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी। सो वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डीसीटी वो पार्ट है नेफ्रोन का जहां पर दोनों हार्मोन एक्ट करते हैं, एडीएच एज वेल एज एल्डोस्टेरोन, और जो कलेक्टिंग डक्ट और जो कलेक्टिंग ट्यूब है, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर सिर्फ एक हार्मोन काम करता है दैट इज एडीएच। यहां से क्या होगी, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी। तो यहां पर देखते हैं कंसंट्रेशन कैसे चेंज होती है। तो सपोज यहां पर अब ऑस्मोलैरिटी हमारी होगी 300, 400, 600, 900। तो इस तरह से वाटर जब जाहिर सी बात है रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है तो हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है बढ़ती जा रही है, मतलब यूरिन जो पास आउट अब होने वाला है वो बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो हमारा पास आउट होने वाला है। साथ ही साथ डिहाइड्रेटेड कंडीशन में एक और चीज होती है, बॉडी जो है यूरिया को कहती है कि तुम बाहर मत जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ही यूरिया बाहर जाता है, कुछ यूरिया अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट मेडुला को कंसंट्रेटेड बना रहे हैं ताकि वाटर की मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो पाए। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है बॉडी में इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हमें क्या करना है, बॉडी का जो वाटर है वो ऐसे ही फालतू वेस्ट ना हो जाए, वो बचा रह जाए। तो इस तरह से यहां भी ऑस्मोलैरिटी में आप चेंजेस देख सकते हो, वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हुआ। तो ये थे इवेंट्स जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हुए हेनले के लूप में, हेनलेज लूप में ये चेंजेस जो है हमारे पास आए। अब दूसरा जो पार्ट हमारा है इसमें वासा रेक्टा, अब हम देखेंगे कि वासा रेक्टा का क्या रोल रहता है इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंस इन काउंटर केस, इन केस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन वासा रेक्टा। सो सेकेंड कंपोनेंट हेयर इज द वासा रेक्टा। अब यहीं पे वासा रेक्टा को मैं ड्रॉ कर देती हूं,
अब वासा रेक्टा में क्या होता है, यहाँ पर जो ये लिम्ब है हमारा वासा रेक्टा का, इसे हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कैपिलरी लूप. कैपिलरी लूप आई एम यूजिंग द एब्रिविएशन डिसेंडिंग लिम्ब. दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ कैपिलरी लूप. अब अगेन यहां पर भी वही है, ब्लड जो है डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ आ रहा है रीनल मेडुला की तरफ रीनल कॉर्टेक्स से, और असेंडिंग लिम्ब में जो है ब्लड जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम रीनल मेडुला टुवर्ड्स रीनल कॉर्टेक्स. तो ये तो हो गया काउंटर करंट. अब यहाँ पे क्या है, जो इंटरस्टिशियम हमारा है बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पे सोडियम है, क्लोराइड है, यूरिया है. तो यहां पर क्या होगा, अगेन देयर इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, साथ ही साथ क्या होता है, यहां पर एंटर करते हैं आयंस सोडियम, क्लोराइड और यूरिया. सो यहां पर अब हम देखते हैं ऑस्मोलैरिटी में क्या चेंजेस आते हैं. सो यहां पर हमारे पास ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो यहां पर थी 400, फिर यहां हुई 600 और यहां हुई 900. अब आप देख सकते हो ये क्लियर होगा आई होप आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वाटर जो कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है और सोडियम क्लोराइड और यूरिया ब्लड में ऐड हो रहा है. ब्लड में ऐड हो रहा है मीन्स ब्लड में सोल्यूट्स की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है. तो यहां पर जब ब्लड आएगा तो यहां पर जो ब्लड की जो कंसेंट्रेशन दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर केजी, तो यहां पर ब्लड भी कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया. अब जो है ब्लड की मूवमेंट हो गई इस तरफ, अब इस तरफ जब मूवमेंट हुई तो यहां पर क्या होगा, इसका रिवर्स जो है वो होगा. तो यहां पर वॉटर विल एंटर, वॉटर विल एंटर और ये जो सोडियम क्लोराइड और यूरिया था ये आएगा बाहर. तो जो आइंस यहां डिसेंडिंग लिम्ब इसमें अंदर गए थे वो इस तरफ जो है वो बाहर आ गए, और वॉटर जो है रीएंटर हो गया किसमें, यहां पर इट विल फर्दर लीड इनटू रीनल वेन. वॉटर जो है रीनल वेन के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन में चला गया, जो रीअब्सॉर्ब यहां पर भी जो पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है उसी को ये लेके जा रहा है. ठीक है, तो वॉटर यहां पर रीएंटर हो गया, फ्लो हमने देख लिया यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ. अब यहां देखते हैं कंसेंट्रेशन में क्या चेंजेस आए हैं. हियर द कंसेंट्रेशन, अब यहां पे क्या हुआ, पानी ऐड होना शुरू हुआ तो कंसेंट्रेशन जो है धीरे धीरे जो है, सपोज यहां 800 हो गई, यहां पर 600, यहां पर 400, ये 200. तो इस ऑस्मोलैरिटी का जो ब्लड है वो वापस चला गया रीनल वेन में. तो यहां हमने क्या देखा, जो आइंस एक तरफ ऐड हुए दूसरी तरफ निकल गए. तो ये सारी चीजें किस लिए होती हैं, इस इंटरस्टिशियम को कंसंट्रेटेड बनाए रखने के लिए. और कंसंट्रेटेड इसको क्यों बनाना है, क्योंकि हमें करना है वाटर कंजर्व और एक्सक्रीट करना है एक बहुत ही हाइपरटोनिक यूरिन विदाउट एनी लॉस ऑफ वाटर. अब आइंस की यहाँ सर्कुलर मूवमेंट की क्या जरूरत है, जब इधर से आ रहे हैं उधर से बाहर जा रहे हैं. तो ये इसलिए है क्योंकि मेडुला में आइंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, रीनल कॉर्टेक्स में आइंस की कंसंट्रेशन कम है. तो इस केस में क्या होगा, नेचुरल जो लॉज होते हैं उसके अनुसार क्या हो सकता है, यहां से सोडियम और क्लोराइड जो है वो डिफ्यूज करके रीनल कॉर्टेक्स में जा सकता है. रीनल कॉर्टेक्स में अगर जाएगा वहां पर लूप ऑफ हेनले नहीं है, वहां पर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती है. रीनल कॉर्टेक्स में पीसीटी पार्ट है जहां पे वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ने देखा नहीं हुई थी. तो यहां से क्या होगा, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाएगी और आइंस भी लूज हो जाएंगे, ना ही वाटर हमारा बच पाएगा. इसलिए ये आइंस जो है इनको यहीं पे बिजी रखा जाता है कि तुम यही गोल गोल घूमते रहो और हमारे वाटर को भी कंजर्व करते रहो. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द काउंटर करेंट मैकेनिज्म विच इज मेंट ओनली फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अ हाइपरटोनिक यूरिन इन केस ऑफ डिहाइड्रेटेड कंडीशंस.